पाती ब्लॉक के वनग्राम सैमलेट के करी गांव में वन्य प्राणियों के अंग निकालकर तस्करी करने का मामला सामने आया है। तस्करी करने वाले पिता बेटे को वन विभाग और पुलिस की टीम ने पकड़कर उनके पास से वन्य प्राणियों के अंग जब्त कर दोनों को रविवार न्यायालय में पेश किया। वहां से दोनों को जेल भेजा है। अब वन विभाग न्यायालय से उनकी रिमांड मांगकर तस्करी करने सहित अहम जानकारी जुटाएगा। वन विभाग के पार्टी रेंजर सचिन लोवंशी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर सैमलेट पंचायत के ग्राम करी में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। वहां पर आरोपी बेस्त्या पिता सूरता और उसके बेटे सिंगला पिता बेस्त्या को पकड़ा। घर की तलाशी लेने पर तेंदुए की खाल, पंजे, तेंदुए के नाखून, दांत, खोपड़ी व हड्डियां, मगरमच्छ की खोपड़ी, लंगूर के पैर और जंगली पक्षियों के पंख घर से बरामद किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणियों के अंग तस्करी करने के चलते केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। कार्रवाई में बड़वानी एसडीओ अतुल पारधी, रेंजर लोवंशी, बोकराटा के रेंजर विजय मौर्य, पार्टी टीआई रोहित पाटीदार व पुलिस कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। रिमांड लेकर जुटाएंगे तस्करी के सुराग। पार्टी रेंजर लोवंशी ने बताया कि वन प्राणियों के अंग व पंख की तस्करी करने वाले पिता बेटे को न्यायालय में पेश करने पर वहां से जेल भेजा है। न्यायालय से दोनों की रिमांड मांगी जाएगी। इसमें तस्करी के सुराग जुटाए जाएंगे। वहीं कई पक्षियों के पंख मिले हैं, उनकी जांच कराई जा रही है कि वो कौन से पक्षियों के हैं। वन्य प्राणियों के अंग महंगी कीमत में बिकते हैं, इनके खरीदारों का भी पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी करेंगे।